छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर इन दोनों कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। रायपुर में अधिकारी कर्मचारी हड़ताल का आज 9वां दिन है और हड़ताल के लिए लगातार कर्मचारी लामबंद है अपनी मांगों को लेकर। आज 9वां दिन है अधिकारी कर्मचारी हड़ताल का। हालांकि बीते दिन बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है, कामकाज पूरी तरीके से ठप हो चुका है। हालांकि बीते दिन बीजापुर से विधायक कांग्रेस विधायक ने कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया था। सीएम भूपेश बघेल के उन्होंने पत्र भी लिखा था कि कम से कम कर्मचारी काफी दिनों से परेशान है, 9वां दिन हो चुका है। बीते दिन चीफ सेक्रेटरी से बातचीत हुई थी, देखना होगा इसके बाद कितने दिनों तक इनकी हड़ताल जारी रहती है या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ आदेश आए। वैभव शिव पांडे ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। वैभव, देखिए लगातार 9वां दिन हो चुका है रायपुर में अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर है। बीते दिन हालांकि चीफ सेक्रेटरी से बातचीत हुई थी और क्या लगता है ये डेडलॉक कब टूटेगा? देखिए इस वक्त कर्मचारी है, आईएएस आईपीएस लोगों का जो है अभी एचआरए बढ़ा दिया गया है, लेकिन आप लोगों के महंगाई भत्ता और एचआरए पे कोई अभी तक निर्णय नहीं लिया जा रहा है, इसको किस रूप में देखें? देखिए जब सातवें वेतनमान लागू हुआ था उस समय कुछ विभाग थे जिनको सातवें वेतनमान के साथ दिया गया और हमको छठे वेतनमान के साथ दिया। छठे वेतनमान का फिक्स राशि 10% दिया गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं 22 अगस्त से आदेश आया हुआ है जिसमें अधिकारियों के लिए जो एक्स वाई जेड तीन प्रकार के शहर हैं हमारे रायपुर शहर में छत्तीसगढ़ में वाई और जेड श्रेणी है, इसमें 18% और 9% बढ़ गया है। 25% ज़्यादा यहाँ जहाँ महंगाई भत्ता बढ़ जाता है वहाँ पर ये जो प्रतिशत होती है चारक बढ़ा दिया जाता है। अब मूल समस्या यहाँ पर ये आती है कि आज कर्मचारी संगठन जो है वो सारा छठवें वेतनमान के फिक्स में ले रहा है, जबकि हमारी ये मांग है, हम ये दो मुख्य मांग है 34% महंगाई भत्ता और एचआरए सातवें वेतनमान के अनुसार। तो हम आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि पूरे प्रदेश में अधिकारी लोग सातवें वेतनमान के अनुसार पहले भी 10% ले रहे फिक्स में, आज वो 18 और 9% वाले सिम चले गए हैं और हम सारे कर्मचारी जो हैं वो सभी के सभी छठवें वेतनमान का 10% ले रहे हैं जो फिक्स राशि हो चुकी है, क्योंकि छठवें वेतनमान तो बदल नहीं रहा है, सातवें वेतनमान के अनुसार हमको मिलना चाहिए, हमारी मांग है। झा साहब ये क्या मतलब नाराजगी इससे और बढ़ेगी कर्मचारियों में जो आदेश जारी हुआ है आईएएस आईपीएस को लेकर? मैं लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, एक लाइन में मेरी भावना समझने की कोशिश करेंगे। गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है, हिंदुस्तान में चल रहा गोरख धंधा है। साथ प्रदेश के आंदोलनकारी कर्मचारियों को इसी बात की तो पीड़ा है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी लोग उनको जो चाहिए सब ले ले रहे हैं और हमारे लिए तमाम आर्थिक संकट और ये सब जो बातें कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं। हमारा एचआरए डीए का मांग इतना लंबा चल रहा है, सशक्त आंदोलन है, 5 लाख कर्मचारियों की भावना को उपेक्षा करके सरकार भी आंदोलन तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए उनको एचआरए देने का ऑर्डर हुआ, अरे हमारे को 4% बढ़ाने का ऑर्डर हो सकता था ना, तो हमारे लिए ऑर्डर नहीं हुआ, हमारे लिए आंदोलन को तोड़ने के लिए ऑर्डर किया गया कि भाई जो 25 से 29 जुलाई तक आंदोलन किए थे और जिनका 5 दिन का तनख्वाह कटा था, आज यदि वो हड़ताल में है वापस आ जाएंगे तो उनको तनख्वाह मिल जाएगा। माने सरकार क्या कर रहे हैं, आंदोलन को तोड़ो रहे हैं और एक आदेश अभी यही आया है। ठीक है वैभव, इनकी बात जो है इनकी पीड़ा साफ तौर पर झलक रही है। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से जो डेडलॉक है कर्मचारी और सरकार का कब टूटेगा। तो फिलहाल